बोर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो बोर ने तीन पोस्टुलेट दिए थे। पहला वाला कहता है कि भाई जो इलेक्ट्रॉन है वो कुछ स्टेबल ऑर्बिट्स चुन लेता है और उनमें ही वो घूमता रहता है, और घूमते हुए वो कोई रेडिएंट एनर्जी नहीं निकालता है, जो कि मतलब क्लासिकल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ने बताया था, और कोई एनर्जी नहीं निकालता, वो स्टेबल ऑर्बिट होती है और उन्हीं ऑर्बिट्स में वो रहता है। जैसे मान लीजिए कि ये फर्स्ट स्टेबल ऑर्बिट है, ये सेकंड स्टेबल ऑर्बिट है, तो इलेक्ट्रॉन वहीं रह सकता है, इसके बीच का कोई रेडियस नहीं लेगा या इसके अंदर कोई रेडियस नहीं लेगा। तो इन्हें हम लोग स्टेबल स्टेट वाली रेडियाई बोलते हैं। इनका फिक्स रेडियस होता है, फिक्स्ड ऑर्बिट होती हैं, इनकी फिक्स्ड एनर्जी भी होती है, बाद में हम लोग एनर्जी निकालना भी सीखेंगे। इन इस तरह के फिक्स्ड रेडियस वाली ऑर्बिट्स को हम लोग स्टेशनरी स्टेट कहते हैं। ये तो इन्होंने फर्स्ट पोस्टुलेट में केवल ये बताया कि भाई कुछ फिक्स्ड रेडियस है, उसी में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर सकता है, उन्हें हम लोग स्टेशनरी स्टेट कहते हैं। दूसरे में इन्होंने इसको मैथमेटिकल रूप दिया। ये बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो उसी में रिवॉल्व करेगा जो स्टेशनरी ऑर्बिट है, और ऑर्बिट को का रेडियस और वेलोसिटी वो इस तरह चूज करता है कि एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच बाई टू पाई। अब थोड़ा समझिए, इज के नीचे इक्वल टू लिखिए। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? एम वी आर। ये क्लास 11th में हम लोगों ने पढ़ा था, अगर आपको नहीं याद है तो आप याद कर लीजिए। फॉर्मूला ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए पॉइंट ऑब्जेक्ट रोटेटिंग अराउंड अ फिक्स्ड एक्सिस एट द रेडियस आर विद वेलोसिटी वी एंड द मास एम। तो वो एम वी आर होता है उसका एंगुलर मोमेंटम। एम इज दी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, आर इज दी रेडियस ऑफ ऑर्बिट, एंड वी इज द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ये इंटीग्रल मल्टीपल, यानी इंटीजर ले लें भाई, 1, 2, 3, 4 इंटीग्रल मल्टीपल उन्होंने बोला है, लेकिन वो यूज नेचुरल नंबर करते हैं, इनकी वैल्यू यहां नेगेटिव या जीरो नहीं हो सकती। एन इंटू एच बाई 2 पाई, लेकिन बोर ने अपनी लैंग्वेज में इंटीग्रल मल्टीपल ही कहा था। सो दिस इज द कंडीशन विच बोर हैड गिवन। अब इसे कहा जाता है बोर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन। क्या कहते हैं? बोर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन। तो कोई ऐसे लिख के दे दे तो डरना नहीं है कि भाई बोर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन क्या है। क्वांटाइजेशन मतलब कि एक क्वांटम नंबर मिल चुका है, 1 है तो n की वैल्यू 1 रखेंगे, और 2 है तो 2 रखेंगे, बीच में कोई 1.5 या 2.5 वैल्यू नहीं आएगी, है ना। मतलब 1 और अगर ये nh by 2 पाई है, एन यहाँ पे एच बाई 2 पाई आ गया तो ये 2h बाई 2 पाई आ जाएगा, इसके ऊपर 3h बाई 2 पाई आ जाएगा, इस तरह से उसका एंगुलर मोमेंटम डिफाइन होगा। तो वो अपनी वेलोसिटी और रेडियस को इस तरह कंट्रोल कर लेगा इलेक्ट्रॉन कि वो इस तरह की कंडीशन को फॉलो करते हुए अपना रेडियस चूज कर लेगा। ठीक है, अभी हम लोग वो वेलोसिटी वगैरह भी कैलकुलेट करेंगे, बोर्स रेडियस भी कैलकुलेट करेंगे, सब कुछ होगा। अभी तो पोस्टुलेट्स ही सीख रहे हैं, याद कर रहे हैं। अब थर्ड पोस्टुलेट में क्या बोल रहे हैं कि भाई अगर इलेक्ट्रॉन का मर्जी हो जाती है, उसको सफिशियंट एनर्जी मिल जाती है, तो इलेक्ट्रॉन अपने स्टेबल स्टेट से कूद फांद भी करने लगता है। कैसे कूद फांद करता है? ये यहां से कूद कर यहां आ जाता है। इस को बोलते हैं हम ग्राउंड स्टेट, और इसको बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट। ये आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा। केमिस्ट्री में आपने एन एल एम एस करके 4 क्वांटम नंबर पढ़े होंगे। उस एन में, उन 4 क्वांटम नंबर में जो एन होता था वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता था, है ना। उसके बाद
अब थर्ड पोस्टुलेट कह रहा है कि भाई एक्साइटेड स्टेट में चला गया। यहां से एक्साइटेड स्टेट में जाने के ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाने के बाद बहुत ही कम देर वो वहां पे बिताएगा, इतना कम टाइम बिताएगा और फिर वापस आ जाएगा। तो जब ये वापस आएगा तो एनर्जी लूज करेगा, हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पे जाएगा, तब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन देता है। सो व्हाइल रिटर्निंग द इलेक्ट्रॉन रेडिएट्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कुछ भी हो सकती है, एक्सरे हो सकती है, इंफ्रारेड हो सकती है, वो एनर्जी डिफरेंस पे निर्भर करता है। अब इस चीज को मान लो हायर एनर्जी लेवल जो है वो E2 है और लोअर एनर्जी लेवल जो है वो E1 है। फाइनल इनिशियल भी कुछ लोग कर लेते हैं। सो एच न्यू इज इक्वल टू E2 माइनस E1। एच न्यू क्यों किया? क्योंकि भाई कोई भी अगर लाइट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, उसकी एनर्जी हमें लिखनी है, तो हम उसकी फ्रीक्वेंसी जान लें और प्लैंक्स कांस्टेंट जान लें, तो ये उसकी एसोसिएटेड एनर्जी होती है। तो बस दिस इज द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और ये E2 माइनस E1 क्या है? डिफरेंस इन दी एनर्जी लेवल्स ऑफ ऑर्बिट्स। बोर्स थ्योरी फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम्स। तो हाइड्रोजन लाइक एटम्स किन्हें कहते हैं? सिर्फ और सिर्फ वैसे एटम या आयन जिनके पास केवल एक इलेक्ट्रॉन हो। वन इलेक्ट्रॉन एटम्स और आयन्स आर कॉल्ड हाइड्रोजन लाइक। अब पढ़ लेते हैं, बोर्स का जो मॉडल है वो वन इलेक्ट्रॉन एटम्स या आयन पे ही वैलिड है, और ये ऐसे एटम होंगे जिनका छोटा सा न्यूक्लियस होगा पॉजिटिवली चार्ज, उसके चारों तरफ एक नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता रहेगा। इन वन इलेक्ट्रॉन एटम्स को हम लोग हाइड्रोजन लाइक एटम बोलते हैं। इतने सारे एग्जाम्पल हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम सुन के हमें चकमा नहीं खाना है, ये कुछ नहीं है, ये हाइड्रोजन के आइसोटोप्स ही हैं। ठीक है, तो यहां पे हम लोगों ने प्रोटियम वाला ही बना रखा है। ये क्या है? हाइड्रोजन एटम जिसका एक इलेक्ट्रॉन है। एक इलेक्ट्रॉन तो सभी में है भाई, बोल ही रहे हैं कि हाइड्रोजन लाइक एटम्स या आयन्स जो हैं उनका ये पक्का है कि उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होगा E इज इक्वल टू 1 होगा। अब प्रोटियम में हम देख पा रहे हैं कि एक लाल वाला, जो मैंने लाल वाला मोटा सा बनाया है वो प्रोटॉन है, जो मैंने लाल वाला छोटा सा बनाया है वो इलेक्ट्रॉन है, और जो मैंने काला वाला मोटा सा बनाया है वो न्यूट्रॉन है। ठीक है, तो यहां पे तो न्यूट्रॉन है ही नहीं, या दो न्यूट्रॉन है। तो ये जो हाइड्रोजन एटम है प्रोटियम वाला, वो ऐसा होता है कि उसमें सिर्फ एक प्रोटॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन उसका चक्कर लगाता रहता है। दिस इज द सिंपलेस्ट एटम जो बोर्स थ्योरी को फॉलो करता है। और भी फॉलो करते हैं, यही पांच है ज्यादातर जो फॉलो करते हैं, इसके अलावा और आपको देखने को नहीं मिलेंगे। अब हम लोग ने क्या किया, अपना हीलियम एटम लिया, हीलियम एटम को हमने हीलियम आयन बना दिया। कैसे? हीलियम में दो प्रोटॉन थे और दो इलेक्ट्रॉन थे, तो एक इलेक्ट्रॉन को हमने निकाल बाहर फेंका, ठीक, तो एक ही इलेक्ट्रॉन बचा। तो अब हम इसे क्या कहेंगे, हीलियम आयन को हम लोग कैसे बोल सकते हैं? Hg+ बोल सकते हैं। उसी तरह हम लोगों ने लिथियम आयन लिया। लिथियम आयन में क्या किया भाई, यहां पर तीन प्रोटॉन थे तो बैलेंस करने के लिए दो इलेक्ट्रॉन यहां पे और फिर एक नई ऑर्बिट में एक और इलेक्ट्रॉन, भाई है ना। लिथियम जो होता है
उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2.1, लेकिन Li प्लस प्लस अगर ले लिया जो ये बना है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है केवल 1, एक ही इलेक्ट्रॉन बचाया हम लोगों ने यहाँ पे, है ना। हाइड्रोजन में कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1 ही होता है। हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 होता है, तो हमने हीलियम प्लस कर दिया तो वो केवल 1 हो गया। तो हर बार हम लोग एक इलेक्ट्रॉन बचा रहे हैं और उसे बोर का हाइड्रोजन लाइक एटम या हाइड्रोजन लाइक आयन बना ले रहे हैं हम लोग। तो अब इसमें सब में इलेक्ट्रॉन 8, 8, 8 है, न्यूट्रॉन 0, 2 काले वाले गिनो और 3 है, प्रोटॉन लाल वाले बड़े वाले गिनो न्यूक्लियस के अंदर 2 और 1 है ना। इस तरह से जो जो PEN की वैल्यूज है वो मैं वहां टेबल में भी भर देता हूं। तो हीलियम वाला समझ लीजिए, एक बार आपने पूछा है इसलिए, पहले हीलियम एटम ऐसा था भाई, न्यूक्लियस तो बिल्कुल इसी टाइप का था, मैंने चलो न्यूक्लियस भी सही से बना देता हूं। न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन की टीम थी, लाल वाले 2 न्यूट्रॉन और काले वाले 2 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन भी थे, मस्त अपना बैलेंस था, 2 नेगेटिव चार्ज और 2 पॉजिटिव चार्ज, दोनों एक दूसरे को न्यूट्रल एटम था हीलियम का। लेकिन हमने क्या किया, इसका एक इलेक्ट्रॉन निकाल भगाया तो ये अब ऐसा बन गया, ऐसा बन गया तो इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन बचा, पहले 2 इलेक्ट्रॉन थे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, अब एक ही इलेक्ट्रॉन बचा तो अब ये Hg प्लस हो गया, ये ऐसा दिखने लगा। उसी तरह लिथियम में हमने क्या किया, ये वाला इलेक्ट्रॉन भी भगा दिया, इन दो में से एक और भगा दिया तो इसकी तो एक ऑर्बिट भी निकाल फेंकी, तो ऐसे में यहां 2 इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हुआ, फिर यहां पे हमने एक इलेक्ट्रॉन बचाया। हमें ऐसा ही एटम चाहिए बोर में जिसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन हो, एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन अगर होगा तो बोर नाराज हो जाएंगे, कहेंगे हमारी थ्योरी यहां पे काम नहीं करेगी। तो ये लिमिटेशन भी थी अपने आप में बोर की थ्योरी की, और मैंने यहां पे ये भर दिए हैं प्रोटियम ड्यूटेरियम ट्राइटियम हाइड्रोजन के जो आइसोटोप्स हैं, उसी तरह हम लोग हीलियम का प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन लिख दिए और लिथियम आयन का भी प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन लिख दिए। एक और चीज याद रखिएगा, जो भी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं वो ही जेड के बराबर होता है, एटॉमिक नंबर इज ऑलवेज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, कोई नई बात नहीं है आपके लिए। और जब भी हम कह देंगे कि आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा कि हाइड्रोजन एटम है तो आप जेड इज इक्वल टू 1 ले लेना, और जब भी आपसे बोला जाएगा हीलियम है तो जेड इज इक्वल टू 2 ले लेना, लिथियम है तो जेड इज इक्वल टू 3 ले लेना, बस इतना ही सीखना था यहाँ पे। हाइड्रोजन लाइक एटम्स को जानने के बाद अब हम लोग बोर्स थ्योरी में आगे बढ़ेंगे, काफी सारे फॉर्मूले डिराइव करेंगे और उसमें काफी क्वांटिटीज यूज होंगी, उनको यहाँ पे पहले मैंने लिस्ट डाउन कर दिया है। जो अपना इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से बंधा हुआ है ना, इसके और इसके बीच में डिस्टेंस आर है, तो आर अपना क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ ऑर्बिट भी हो जाएगा, उसे हम बोल सकते हैं हाँ भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होती है, कूलॉम का फॉर्मूला 1/4πε0Q1Q2r2। लेकिन क्यू अपना क्या है, जेड ही है और यहाँ पे E है R square, और सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, क्लास 11 से हम लोग जानते हैं mv² / r, यहाँ पे m मास ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन है, r रेडियस ऑफ ऑर्बिट है और v वेलोसिटी जिससे ये चक्कर लगा रहा है। अब यहां से आप देखिए r square है तो r को 2 बार लिख लीजिए, ये और ये कट गया, केवल R को उस तरफ ले जाइए 1/4πε0 into Ze²
और देखिए एम वी स्क्वायर यहाँ पे आ, अगर हमें वेलोसिटी पता है तो ऑर्बिट रेडियस का यही फॉर्मूला हो गया, पर अगर नहीं पता है तो भाई वेलोसिटी के टर्म को हमें गायब करना पड़ेगा। तो वेलोसिटी ऑफ के टर्म को कैसे गायब कर सकते हैं भाई? बोर की थ्योरी का सहारा ले सकते हैं, एम वी आर इज इक्वल टू एन एच बाई 2 पाई। बोर का पोस्टुलेट कहता है ना कि एंगुलर मोमेंटम इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच बाई 2 पाई। तो मान लीजिए कि ये वैसे तो पहली ऑर्बिट है, लेकिन हम लोग किसी भी ऑर्बिट के लिए कर सकते हैं। तो मान लीजिए कि nth ऑर्बिट है, पहली ऑर्बिट 1 2 3 4 है ना, पहली ऑर्बिट 1, दूसरी 2, तीसरी 3, उसी को के एल एम एन बोलते हैं केमिस्ट्री में। वही चीज यहाँ पर है, जिसको हम लोग बोल रहे हैं एन इज इक्वल टू द क्वांटम नंबर। तो एन अगर पहली ऑर्बिट होती है तो 1 बोल देते हैं, 2 बोल देते हैं, 3 बोल देते हैं, और इसी पहली ऑर्बिट को के शेल, एल शेल, एम शेल, एन शेल ऐसा केमिस्ट्री में बोल देते हैं। तो दोनों एक ही चीज है। अब देखिए भाई, तब भी यहाँ पे वी स्क्वायर आ रहा है, तो हम लोग नहीं उससे निपट पा रहे हैं। वी तब भी रह जाएगा अगर दोनों इक्वेशन को भी यूज करेंगे। ये इक्वेशन आई कैसे? फोर्स बैलेंसिंग से। अरे ये जो लिखी है यही यहाँ पे, और ये इक्वेशन कैसे आई? बोर की थ्योरी से। तो अब हम लोग इसको क्या करेंगे? स्क्वायर कर देंगे, सब जगह स्क्वायर कर देंगे। एम स्क्वायर, वी स्क्वायर, आर स्क्वायर, एन स्क्वायर, एच स्क्वायर, 4 पाई स्क्वायर, पूरा स्क्वायर कर दिया। इससे हमें क्या फायदा हुआ कि ये जो वी स्क्वायर है अब कट जाएगा। अब दोनों इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से डिवाइड, तो मैंने सारी जो टर्म्स हैं वो उठा के यहाँ पे लिख दिए हैं। इसको ऐसे वैसे ही लिख दिया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को भी वैसे ही लिख दिया। इसको थोड़ा सा मैंने एमएम कर दिया है, वी स्क्वायर वैसे ही है, आर स्क्वायर वैसे ही है, एन स्क्वायर, एच स्क्वायर, 4 पाई स्क्वायर को 4 पाई पाई कर दिया है। अब 4 पाई 4 पाई उड़ गया, वी स्क्वायर उड़ गया, एम और एम उड़ गया। अब आप इसको भी रेसिप्रोकल करके यहाँ ले आइए, और इसको आप डिवाइड बाई 1 समझ सकते हो, तो इसको भी रेसिप्रोकल करके यहाँ ले आइए। सो दिस बिकम्स 1/m, है ना, ये ऐसे आएगा तो m नीचे आ जाएगा, और r इंटू आर स्क्वायर, ये क्या है? 1/ε0 जेडी स्क्वायर। ध्यान से देखते जाइएगा भाई कैसे हो रहा है, हो सकता है मैं सामने आ जाऊं। जेडी स्क्वायर, इसको भी मैं आर स्क्वायर ही लिख रहा हूं अब, और ये उलट के चला जाएगा पाई, और एन स्क्वायर, एच स्क्वायर। भूलना नहीं है, हमें लाना क्या था? हमें रेडियस लाना था, ठीक है? और आई थिंक अब कुछ भी कैलकुलेट नहीं हो रहा। तो हमारे पास 1/r है, हमें r लाना था। तो अब सब कुछ फिर से रेसिप्रोकल आप इसका करिए। m को मैं यहां से यहां ले जा रहा हूं, इसको यहीं पहुंचाए दे रहा हूं, पाई m, ठीक है? तो बस अब इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो सबको अच्छे से लिख दिया जाए, आर इज इक्वल टू एन स्क्वायर ऊपर आ जाएगा, एच स्क्वायर इधर आ जाएगा, एप्साइलन नॉट ऊपर आ जाएगा, पाई एम जेडी स्क्वायर। लो भाई, प्रूव कर दिया हम लोगों ने, और ये प्रूव करने को बोर्ड में आता है, आ सकता है, तो इसलिए अच्छे से सीख लीजिए इसको। तो रेडियस का यहां पे वेलोसिटी टर्म था, लेकिन रेडियस में यहां कोई वेलोसिटी टर्म नहीं है। आप देख सकते हैं कि रेडियस पूरा पूरा कांस्टेंट चीजों पे ही डिपेंड कर रहा है, ये केवल इस पे डिपेंड कर रहा है ऑर्बिट नंबर में। और ये सही बात है, पहली ऑर्बिट छोटी होगी, दूसरी बड़ी होगी, तीसरी और बड़ी होगी, बाकी सारी चीजें कॉन्स्टेंट है। सो दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल फॉर्मूला कि आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर, ऑर्बिट रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ क्वांटम नंबर। रेडियस ऑफ ऑर्बिट तो हम लोग डिराइव कर चुके हैं,
तो बोर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन या बोर्स पॉस्टुलेट को एक बार फिर से लगाया। इस बार हमारा गोल है कि वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम कैलकुलेट कर लें। तो देखिए वेलोसिटी को अलग कर लो, एन एच बाई टू पाई है ना, और फिर उसके बाद ये एम आर यहां रख दो। इससे ये फायदा होगा यार, आर जो है कॉन्स्टेंट्स के टर्म्स में हम लोग निकाल ही चुके हैं, तब वेलोसिटी भी कॉन्स्टेंट के टर्म्स में आ जाएगी। तो सब रख दो, एन एच टू पाई आर, टू पाई आर जो है टू पाई एम कर दो आर की जगह, तो रिप्लेसमेंट करना है एम स्क्वायर, एम स्क्वायर भी ऊपर लिख लो, एम स्क्वायर को एन एन लिख लो, एच स्क्वायर को एच एच लिख लो, एप्साइलन नॉट फिर पाई एम जेड ई स्क्वायर ऐसा, ठीक है। कुछ नहीं किया, आर की जगह ये रख दिया, ठीक है ना, ये ब्रैकेट जो है ये इस आर की जगह आया। अब बस पाई एम उड़ गया, एन उड़ गया, एच उड़ गया, बस वेलोसिटी अपनी बढ़िया दिखने लगेगी। अब ऐसा जेड स्क्वायर ऊपर आ गया और टू एन एच एप्साइलन नॉट। अब जैसे यहां पे एन स्क्वायर को बाहर निकाल लिया था, ऐसे ही यहां पे भी एन को बाहर निकाल लेंगे। तो जब हम लोग ने रेडियस ऑफ एनथ ऑर्बिट निकाला था, तब हम लोग ने समझा था कि भाई आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर। अब हम लोग ने वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दी एनथ ऑर्बिट निकाल लिया, अब हम लोग ने समझा वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वन बाई एन है ना, यानी वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटम नंबर ऑफ द ऑर्बिट। तो ये अंतर आ गया रेडियस और वेलोसिटी। मतलब आप भले एग्जाम में एक बार को ये वाला फॉर्मूला भूल जाए मान लो, लेकिन कम से कम ये आपको बादल जरूर याद होने चाहिए। तो वेलोसिटी का ये फॉर्मूला हम लोग निकाल चुके हैं, और हम क्या करें, हाइड्रोजन एटम के लिए काम करें तो z इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, और हाइड्रोजन एटम की फर्स्ट स्टेशनरी ऑर्बिट पे काम करें n इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, तब वेलोसिटी हमारा कैसा दिखने लगेगा, उसका मैं नाम दे रहा हूं v1। तो 1 बाई n खत्म हो गया, z खत्म हो गया, ये बच गया e स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2h एप्साइलन नॉट। अब हम लोग यहां पे ये ई एच और एप्साइलन नॉट सबकी वैल्यू रख सकते हैं। तो ये आ गई वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। फर्स्ट ऑर्बिट इसलिए एन इज इक्वल टू 1 रखा था, और उसके बाद जेड इज इक्वल टू 1 रखा, उससे हाइड्रोजन कंफर्म हो गया। अब देखिए इसका भी एक ये जो कांस्टेंट है, ये भी आप देख सकते हैं कि ई स्क्वायर भी एक कांस्टेंट है, एच भी एक कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट है, टू भी कांस्टेंट है ना, और इस सब की वैल्यू ये आ रही है, ये वेलोसिटी है इसलिए मीटर पर सेकंड में आ रही है। तो इसका भी एक स्पेशल नाम है, क्या है, फाइन स्ट्रक्चर कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो फाइन स्ट्रक्चर कॉन्स्टेंट डायरेक्टली आ सकता है, और उसका फिर रिलेशनशिप स्पीड ऑफ लाइट से आएगा। तो अब आपको क्या करना है, v1 अपॉन c, व्हाट इज द रेशियो ऑफ फाइन स्ट्रक्चर कॉन्स्टेंट विद द स्पीड ऑफ लाइट। तो v1 आपने क्या रखा, 2.19 इंटू 10 to the power 6, और स्पीड ऑफ लाइट जो होती है वो 3 × 10 to the power 8 है। तो ये v1 अपॉन c जो आ गया, दिस इज 1/137, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट इस इलेक्ट्रॉन की स्पीड से 137 टाइम्स ज्यादा होती है, लेकिन
स्पीड ऑफ लाइट इज दी अपर लिमिट, ये जो स्पीड ऑफ लाइट है इससे ज्यादा तेज चलता हुआ अब तक कुछ भी यूनिवर्स में नहीं ऑब्जर्व किया है। दैट इज दी हाईएस्ट वेलोसिटी विच एनीथिंग कैन अचीव। तो उसका 137 टाइम्स भी बहुत बड़ी वेलोसिटी होती है। अब बहुत साल हो जाएंगे, शायद 500 साल या 1000 साल हो जाएंगे, तब भी हम लोग V1 स्पीड वाली स्पेसशिप भी नहीं बना पाएंगे। बीच में न्यूक्लियस ZE का है और उसके इधर इलेक्ट्रॉन भी लगा हुआ है, तो इन दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो ऐसी है, और ये इलेक्ट्रॉन चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, तो इसका सेंट्रीपिटल फोर्स mv2/r है। इस अट्रैक्शन की ही वजह से तो सेंट्रिपिटल फोर्स जनरेट होता है, जिससे कि वो सेम वेलोसिटी से उस रेडियस पे चलता रहता है। ये सब चीजें हम लोग पहले भी कर चुके हैं। अब इसमें से थोड़ा सा एडजस्टमेंट करते हैं, आर और आर उड़ा देते हैं। mv² भी बहुत अच्छी चीज होती है, हम इसे हाफ mv² बना लेते हैं। ठीक है, तो ये हाफ इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी तो अब जरूरत नहीं है, इंटू ZE² / r, ऐसा है। एक तरीके से हाफ mv² क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी हो जा रही है 1 ZE² / 8 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये चीज हम लोग कर भी चुके हैं एक बार, लेकिन मैंने याद दिला दिया आपको, 8 पाई एप्सिलॉन नॉट r। फिर उसके बाद उसी डायग्राम को एक बार फिर से बनाते हैं और पोटेंशियल एनर्जी का काम करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव में आएगी और टोटल एनर्जी हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का सम। लेकिन अब हम लोग ऑर्बिट रेडियस का फॉर्मूला जान चुके हैं, आर इज इक्वल टू n²h²ε₀ / m Ze², इसको उठाकर इस वाले आर में रख दो यहाँ पे, तो फिर अपना काइनेटिक एनर्जी थोड़ा बढ़िया दिखने लगेगा। तो अब काइनेटिक एनर्जी थोड़ा सही से लिख लें, तो ये बढ़िया फॉर्मूला आ गया। और यहाँ पे हम लोग अपने पुराने तरीके को मेंटेन कर पा रहे हैं। क्या सीखा था हम लोगों ने, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n², उसी तरह वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/n, उसी तरह काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/n² भी हम लोगों ने सीख लिया। जैसे हम लोगों ने काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले में आर को रिप्लेस करके मतलब इधर ये आर की जगह ये रख दिया तो ऐसा आ गया, उसी तरह पोटेंशियल एनर्जी में ये आर की जगह ये रख दो तो ऐसा आ जाएगा। और मैं समझ रहा हूं कि आप ये सब फॉर्मूले देखकर काफी फ्रस्ट्रेट हो रहे होंगे, वैसे ही टोटल एनर्जी का आ जाएगा। और खुशी की बात यह है कि ये फॉर्मूला आपको याद नहीं करना है, इसके बाद एक सिंपलीफाइड फॉर्मूला होगा वो आपको याद करना है, वहां रिडबर्ग्स कांस्टेंट की वैल्यू आपको याद करनी होगी। पहले इतना लिख लीजिए, टोटल एनर्जी नेगेटिव है इसलिए इसका मतलब होता है अट्रैक्टिव फोर्स रहेंगी। तो फिर से काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लिखा, और अब हम लोग जानेंगे कि रिडबर्ग्स कांस्टेंट कैसा होता है। ये रहा रिडबर्ग्स कांस्टेंट, ठीक है। तो एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ई चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है, और एप्साइलन नॉट जो है वो यहाँ से आ जाएगा 8.85 वाला, सी जो है स्पीड ऑफ लाइट है, एच प्लैंक्स कांस्टेंट। और आप देखिए कि मतलब इसका क्यूब और पावर 4 ये सब थोड़ी ना कर पाएंगे हम लोग, मतलब एग्जाम में आएगा तो इतना कौन कैलकुलेट कर पाएगा। तो इससे बढ़िया है कि इस पूरी वैल्यू की जगह आप याद कर लीजिए 1.090 × 10⁻¹⁷, ये रिडबर्ग्स कांस्टेंट है, और ये भी अपने आप में एक बहुत ही स्टैंडर्ड चीज है, आप सीधे यूज कर सकते हैं इसे। ओके, अब लेकिन यार हमें काइनेटिक एनर्जी को कुछ रिडबर्ग के रूप में लाना पड़ेगा,
तो आप क्या करिए, यहाँ पे एच ले आइए, यहाँ पे भी एच ले आइए अपनी तरफ से, क्योंकि यहाँ पे सी है तो यहाँ पे भी आप सी ले आइए और यहाँ पे भी सी ले आइए। एक और काम करिए आप, जेड इज इक्वल टू वन भी रख लीजिए, ताकि हम लोग सारा काम हाइड्रोजन एटम के लिए कर पाए। तो अब क्या होगा, आपने यहां से सी एट एप्साइलन नॉट स्क्वायर सी एच क्यूब और एम ई टू द पावर फोर, ये पूरा जो ये जो अमीबा बना हुआ है इस पूरे की जगह आप आर लिख सकते हो, है ना। आर जेड स्क्वायर अब मैं नहीं लिख रहा हूं क्योंकि जेड वन हो चुका है, आर एच सी डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला अब आप याद कर सकते हैं काइनेटिक एनर्जी के लिए, दिस इज फॉर हाइड्रोजन। लेकिन याद रखिएगा, अगर हाइड्रोजन नहीं है कुछ और है तो फिर मैं मतलब अभी चलो जेड इज इक्वल टू वन मत करो, तो फिर मैं यहां पर आर एच सी जेड स्क्वायर करूंगा, है ना। और उसके बाद अब इस जगह मैं जेड इज इक्वल टू वन डालूंगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू आर एच सी बाई एन स्क्वायर। ये मस्त फॉर्मूला आया, ये सही भी दिख रहा है, काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव है। वही काम पोटेंशियल एनर्जी में कर रहे हैं, ये आ गया। तो टोटल एनर्जी आ गई माइनस आर एच सी डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर। भाई कैसे निकाला टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को जोड़ दिया। हाइड्रोजन एटम की किसी भी ऑर्बिट के लिए काइनेटिक एनर्जी ऐसे, पोटेंशियल एनर्जी ऐसे और टोटल एनर्जी इस फॉर्मूले से निकाला जा सकता है। आर भी एक कांस्टेंट है, एच भी एक कांस्टेंट है और सी भी एक कांस्टेंट है, सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है। तो हम क्यों ना इस कांस्टेंट्स को हटाकर अपनी तरफ से एक छोटी सी वैल्यू ले आए। रख दिया सबको, अब ये जो काइनेटिक एनर्जी आई ये जूल में आई। चलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जाते हैं। हम जानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है वो 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल होता है। तो यार एक जूल के लिए इसको हम नीचे ले आए, तो अब जूल से अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जाना है तो हमारा कैसा हो जाएगा मामला, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1 अपॉन एन स्क्वायर इंटू 21.68 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी, ये 21.6 और 1.6 करते हैं तो ये आ जाता है 13.6 डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर। अब देखिए अपना मतलब यार जो फॉर्मूला है कितना मस्त बन गया है। हमें सिर्फ एक वैल्यू याद रखनी है, काइनेटिक एनर्जी 13.6 वैल्यू आप याद कर लीजिए। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 13.6 डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर, है ना। अब आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं, अच्छा ये आर एच सी बाई एन स्क्वायर है, यानी आर एच सी बाई एन स्क्वायर इतना है तो ये 2 इंटू 13.6 हो जाएगा, आर एच सी बाई एन स्क्वायर ये माइनस 13.6 हो जाएगा। इस तरह से पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी के भी फॉर्मूले हम लोग फटाफट लिख डालेंगे। पोटेंशियल एनर्जी बड़े मजे से हम लोगों ने निकाल लिया, माइनस 2 इंटू 13.6 डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर। अरे भाई यहाँ पे माइनस 2 अलग से है, आर एच सी बाई एन स्क्वायर हम लोग इतना निकाल चुके हैं, तो ऐसे ही याद करो आप 2 इंटू 13.6, उसको 27 करने की क्या जरूरत है, ठीक है वो मत करिए आप। अब आप आ जाइए टोटल एनर्जी में। टोटल एनर्जी हमेशा काइनेटिक एनर्जी का नेगेटिव है, ये हम लोग बहुत पहले पढ़ भी चुके हैं। तो ये हो जाएगा माइनस 13.6 बाई एन स्क्वायर। आप देख भी सकते हैं ये प्लस आर एच सी बाई एन स्क्वायर है, ये माइनस आर एच सी बाई एन स्क्वायर है। तो ये बस याद रखिएगा कि ये जो हो रहा है ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ रहा है। कल को अगर आपको जूल में पूछ लिया जाए तो जूल के लिए ये फॉर्मूला है, ये भी बहुत अच्छा फॉर्मूला है, बट ज्यादातर सवाल आप देखेंगे कि आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में डील करेंगे, ठीक है। तो
दिस इज ऑल्सो इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दिस इज ऑल्सो इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो किसी भी ऑर्बिट पे हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन का अगर हमें एनर्जी निकालना है, टोटल एनर्जी, तो चौथे ऑर्बिट में क्या हो जाएगा, -13.6 डिवाइड बाई 4 स्क्वायर। दूसरे ऑर्बिट में क्या हो जाएगा, -13.6 डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर। बस इतना ही करना होगा हमें। तो फिर से मैंने लिखा आपके लिए, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी का रेशियो 1:-2 - 2:-1। यानी मैग्नीट्यूड के हिसाब से देखा जाए तो काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी बराबर ही होती हैं। अब बात करते हैं एनर्जी लेवल्स की। देखिए, हम लोग हमेशा n इज इक्वल टू 1 में ज्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं, क्योंकि भाई देखिए ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस से r डिस्टेंस पे हमारा इलेक्ट्रॉन है। ये इलेक्ट्रॉन अगर पहले वाले शेल में चल रहा है, लोएस्ट स्टेट में n इज इक्वल टू 1 पे चल रहा है, तो हम बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन अपने ग्राउंड स्टेट पे है। और जब ग्राउंड स्टेट पे है तो n इज इक्वल टू 1 इसमें डाल दो, 1 स्क्वायर 1 हो जाएगा। तो एनर्जी ऑफ ग्राउंड स्टेट इज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अब इसे ग्राउंड स्टेट से निकाल के बिल्कुल बाहर फेंक दिया जाए, n इज इक्वल टू इंफिनिटी में डाल दिया जाए। अब देखो, n इज इक्वल टू इंफिनिटी डालोगे तो टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी, -13.6 डिवाइडेड बाई इंफिनिटी का स्क्वायर, तो भाई ये तो जीरो हो जाएगा, है ना। एनीथिंग डिवाइडेड बाई इंफिनिटी जीरो हो जाता है। तो इसलिए जो हमारी आयनाइजेशन एनर्जी होगी वो क्या करेगी, इस एनर्जी लेवल से उठा के जीरो इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेवल तक ले जाएगी। यानी कि इधर से इधर तक लाने के लिए हमें +13.6 देनी पड़ेगी। तो द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू फ्री द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द ग्राउंड स्टेट ऑफ द हाइड्रोजन एटम एंड टेक इट टू द इनफाइनाइट एनर्जी लेवल इज +13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी, कि ग्राउंड स्टेट से निकाल के हम इसको बिल्कुल बाहर फेंक दे, हटा ही दे वहां से, न्यूक्लियस से बहुत दूर ले जाए। तो हमने इसको क्या कर दिया, आयनाइज कर दिया। ठीक है, पहले यह हाइड्रोजन एटम था, अब आयनाइज कर दिया तो H प्लस बन गया, है ना। अच्छा, अब अगर ये भी हो सकता है कि यार भाई यहां से हम इंफिनिटी तक ना ले जा पाए, बीच के किसी लेवल पे ले जाए, 2 पे ले जाए, 3 पे ले जाए, 4 पे ले जाए, तो ग्राउंड स्टेट से उठाकर हम किसी और लेवल पे ले जाए, 2 पे ले जाए, 3 पे ले जाए, 4 पे ले जाए, कहीं पे भी ले जाए, लेकिन इंफिनिटी तक नहीं ले जा रहे हैं, तो वो कहां जा रहा है, अपने एक्साइटेड स्टेट में। एक्साइटेड स्टेट में जाता है तो थोड़ी ही देर वहां रहता है, लौट के फिर से ग्राउंड स्टेट में आने की कोशिश करता है। जब लौट के फिर से ग्राउंड स्टेट में आता है तो वहां पर वो अपनी तरफ से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव छोड़ता है, फोटोन छोड़ता है। तो अभी उसको भी हम लोग पढ़ेंगे। वैसे टेक्निकली अगर बोला जाए तो इन्फिनिटी वाले को भी आप ग्राउंड एंड एक्साइटेड स्टेट बोल सकते हैं, द मोस्ट एक्साइटेड स्टेट, है ना। ठीक है, तो ये ग्राउंड स्टेट है और बाकी सारे एक्साइटेड स्टेट। अब मान लीजिए कि एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, एक हायर एनर्जी लेवल से एक लोअर एनर्जी लेवल पे आ रहा है, यानी N2 से N1 पे आ रहा है। तो यार हम लोग ने ये पढ़ा था कि H nu इज इक्वल टू E2 - E1। ठीक है, तो अब H nu क्या होगा, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ये फेंकेगा उसका एनर्जी, है ना। एनर्जी डिफरेंस ऑफ द एनर्जी लेवल्स इज इक्वल टू द एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक
रेडिएशन ये है, दिस इज द एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। और E1 E2 कैसे हम लोग देखेंगे, उसके तो फॉर्मूले हम लोग को पता है। हम कोई भी एटम ले ले, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, है ना, सिंगल इलेक्ट्रॉन वाले। हम लोग ने पढ़ा था कि भाई हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए बोर्स थ्योरी ट्रू है, तो वैसा हम लोग ने ले लिया तो उसकी एनर्जी इस तरह निकलती, इसीलिए यहाँ पे जेड भी लिखा हुआ हम लोगों ने, वो एनथ एनर्जी लेवल है उसका। तो इस तरह से इसको एनर्जी की जगह मैं टोटल एनर्जी लिखना पसंद करूंगा। अभी तक हम लोग टोटल एनर्जी ही लिख रहे थे, ठीक है, ये भी टोटल एनर्जी 2 माइनस टोटल एनर्जी 1 होगी। तो अब हम लोग जो एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन है उसकी इस तरह से 1/h करके E2 माइनस E1 कर सकते हैं, है ना। अब E2 E1 कहां से लेंगे, यहां से लेंगे, है ना, लेकिन ये नेगेटिव साइन वाले हैं तो अच्छे से सबको हम लोग लिखते चले। थोड़ा सा टाइम सेव करता हूं मैं आपका। E2 एसोसिएटेड है N2 से और E1 एसोसिएटेड है N1 से, है कि नहीं भाई। E2 यहां से मिलेगा और E1 यहां से मिलेगा। अब हम लोग ये जो तगड़ी चीज है इसको कॉमन ले लेते हैं, एच भी इससे मल्टीप्लाई होके H³ दे देगा। काफी बच्चों को कंफ्यूजन होता था कि भाई E2 माइनस E1 होता है तो N1 माइनस N2 क्यों हो जाता है, तो इसमें यही समझ लीजिए कि भाई यहाँ पे इसके ही अंदर नेगेटिव साइन है, ये नेगेटिव साइन यहाँ आया, ये नेगेटिव साइन यहाँ आया, ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, इसलिए N1 पॉजिटिव में रिपोर्ट किया और ये माइनस साइन के ही साथ रहा तो N2 नेगेटिव हो गया, ये होता है यहाँ पर। अब देखिए एनर्जी इज इक्वल टू H𝛎 होता है, एनर्जी इज इक्वल टू HC/λ भी होता है, तो अब HH काट दीजिए तो न्यू इज इक्वल टू C/λ भी एक फॉर्मूला होता है, इसका भी यूज हम लोग यहाँ पे करेंगे। न्यू इज इक्वल टू C/λ mz²e⁴ 8ε0 CH³। अब मैं ये भी कर रहा हूं कि z² को थोड़ा सा बाजू में लिख रहा हूं, z² को क्या करूं मैं लाल कर देता हूं कि मैं उसे बाजू में कर रहा हूं तो बगल में कर रहा हूं, ठीक है, ये आ गया। अब ये देखिए ये ऐसा था, अब C जो है इधर आ गया तो ये ऐसा आ गया, ये 1/λ हो गया, समझ गया कि नहीं, या चलो नेक्स्ट स्टेप में कर दूंगा मैं। C यहां है और ये यहां है, ये है 1/N1² - 1/N2² और अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग यहां पर C को इस साइड ले आएंगे, फिर रिडबर्ग्स कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस करेंगे। चलो बढ़िया लग रहा है, C उस तरफ आ गया है नीचे, और ये जो पूरा आइटम है Me⁴ 8ε0² CH³, इसे हम लोग कह सकते हैं क्या, रिडबर्ग्स कांस्टेंट। ये रिडबर्ग्स कांस्टेंट मैंने आपके लिए पहले से ही लिख रखा है, ठीक है, ये है। तो अब z² × r हो गया एक तरीके से, 1/λ इज इक्वल टू z² × r 1/N1² - 1/N2², यानी कि N2 से उतर के कोई भी इलेक्ट्रॉन N1 में आएगा तो जो एमिटेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उसका वेवलेंथ का इनवर्स इस फॉर्मूले से आ गया, यानी हम वेवलेंथ अगर निकालना चाहें तो यहां से निकाल सकते हैं। अब आप समझ सकते हैं कि हाँ 1/λ जो है
इसकी यूनिट मीटर इनवर्स होगी, ये तो नंबर है कोई यूनिट नहीं होगी, ये भी नंबर है कोई यूनिट नहीं होगी, इसकी यूनिट मीटर इनवर्स, तो रिडबर्ग कांस्टेंट की भी यूनिट मीटर इनवर्स। मजा आ गया। तो रिडबर्ग कांस्टेंट 1.090 इंटू 10 टू द पावर 7 माइनस मीटर माइनस 1 मीटर इनवर्स। अगर हमें E2 माइनस E1 पहले से पता है तब हम लोग क्या करेंगे, है ना, H न्यू को आप HC बाई लेमडा लिख लो और इसे डेल्टा E लिख लो, ठीक है, और लेमडा यहां से निकाल लो HC बाई डेल्टा E, लेमडा इज इक्वल टू HC बाई डेल्टा ई। अब प्लैंक्स कांस्टेंट की और स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू रख ली जाए और हम ऐसा फॉर्मूला लाना चाहते हैं कि डेल्टा ई हमारा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही हो, तो मान लो डेल्टा ई 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो डेल्टा ई की जगह आप 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल डाल दीजिए, तब ये क्या आ जाता है 12375 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर, जिसे आप लिख सकते हैं लेमडा इज इक्वल टू 12375 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो अब इससे एक बहुत बढ़िया फॉर्मूला बन जाता है, तो इसका मतलब हर एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए इतनी लेमडा निकल कर आती है ना। तो इसे आप ऐसे लिख सकते हैं कि भाई अच्छा, अगर आप हमें डेल्टा ई यानी चेंज इन एनर्जी, इन दो एनर्जी लेवल्स के बीच में एनर्जी डिफरेंस अगर आप हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में सप्लाई करोगे, तो इस फॉर्मूले की मदद से एमिटेड वेवलेंथ की जो एमिटेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वेवलेंथ हम सीधे एंगस्ट्रॉम में आपको दे देंगे, ठीक है। अगर आप इन दो एनर्जी लेवल्स की डिफरेंस इन एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हमें सप्लाई करोगे, तो इस ट्रांजिशन की वजह से एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकल के आएगी, इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वेवलेंथ डायरेक्टली हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। ये काफी यूज होता है बोर्ड एग्जाम में।